नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा में हूँ। यहाँ करेली क्षेत्र में ऋचा सिंह की सभा हो रही है, जो यहाँ से आप सभी का सपा कैंडिडेट हैं। इस्तकबाल करती हूँ, आप सभी का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करती हूँ। मंच पर उपस्थित महानगर अध्यक्ष श्री तुकार हुसैन जी, जनाब इकबाल अंजुम जी, हमारे भाई शाहिद प्रधान जी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पार्षद आगम भाई। ऋचा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव जीती थी। आजादी के बाद से ये पहली बार हुआ था कि कोई महिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीती हो। इसके ठीक बाद उनकी अखिलेश यादव वो दिल्ली में भी कुछ वामपंथी आयोजनों में दिखी और अप्रैल 2016 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें फेसबुक पर सबने सभी मेरे नौजवान साथी, ये कहा गया कि सीधे अखिलेश यादव आपने अपनी बहन को सपा के अतीक चुनाव लड़ा कर शहर पश्चिमी की प्रत्याशी को अपने बीच में आने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की पहली पीढ़ी जाती है जब जनता और जनता का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करने वाले लोग एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे से सवाल और जवाब करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोग एक बेहतर लोकतंत्र बनाने में हम और आप दोनों योगदान करने जा रहे हैं, क्योंकि आप मुझे सुनने जा रहे हैं और मैं आपसे अपनी बात कहने जा रही हूँ। शहर पश्चिमी इलाहाबाद का वो अहम हिस्सा है जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बढ़ती है, जहाँ पे इलाहाबाद शहर का एक पुराना दिल बनता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं शहर पश्चिमी की हालत तो दिल दर्दार हो जाता है, क्योंकि शहर पश्चिमी पिछले 10 सालों से अपने विकास की रोना रो रहा है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी निकलने के लिए नालियां नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आप इस हैलोजन को बंद कर देंगे तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और तमाम गड्ढे आपको मिल जाएंगे। मौजूदा विधायक पिछले 10 सालों से आपकी जनप्रतिनिधि है, लेकिन हम उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने कभी भी अपनी जनता के बीच जाने का काम किया? क्या आपने कभी भी जनता की समस्याओं को हल करने का काम किया, या फिर आपने केवल जनता को 10 साल तक अपने आंकड़ों का हवाला देकर उसे बेवकूफ बनाने का काम किया है? और शायद इसी का परिणाम है कि आज शहर पश्चिमी की जनता सड़क, साफ पानी, बिजली और एक खुशनुमा माहौल के लिए तरस रही है और उसके लिए संघर्ष कर रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि 2017 के चुनाव इस देश के बहुत अहम चुनाव है। आने वाली 23 फरवरी को आप देश की तकदीर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी को केवल मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, वो तो हम बहुमत से बनाने ही जा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान से फिरका परस्त ताकतों को खास फेंकने का चुनाव, और हमें और आपको ये समझना होगा। आप देखिए कि चुनाव आते ही, और बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहती हूं कि शहर पश्चिमी में कुछ आपके ही अपने लोग हैं जो भीतरघात करने के लिए तैयार है, आपके अपने बनकर वो आपका वोट करने के लिए तैयार है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनने का काम कर रहे हैं। और हम आपसे जब एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वो आएंगे, आपको अपनी बातों का दिलासा देंगे, आपको अपने पन का हवाला देंगे, लेकिन हम एक सवाल पूछते हैं कि आप क्या एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जिसने 12 साल दर से अपने घर के बाहर कदम न निकाला हो और वो आपकी रहनुमाई करने की बात कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये कोई और नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने गोधरा का कांड किया, जिसने अयोध्या का कांड किया और जिसने पिछले 2.5 सालों से देश को सांप्रदायिक आधार से बांटने का काम कर रही है। आप ये देखिए कि पिछले 2.5 सालों से
देश में कैसा माहौल बना हुआ है। हम सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि आप हिंदुस्तान में नहीं, आप तो उनके एक ऐसे मुल्क में जहां वो ये तय करेंगे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम कैसे पिएंगे, वो ये तय करना चाहते हैं, और ये कोई और नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात को जानकर कि ये कोई और नहीं है, ये करने वाला देश का प्रधानमंत्री है, जिसने आपकी भावनाओं से खेलकर आपके वोट को पाने का काम किया, और आज वो देश को सांप्रदायिक हाथों में बेचने के लिए तैयार रहे हैं, और आरएसएस के इशारों पे काम करने का काम लाउडस्पीकर लगाए गए। हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ उन जिलों का? आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हमारे नौजवानों को, आपने 15-15 लाख खातों में पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन आपने किया क्या? कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, तो कभी काला धन। लेकिन इसके सिवा देश की जनता विकास करेगी कि नहीं करेगी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा कि नहीं, और उसमें सारे मजहब मिलजुल कर रहेंगे कि नहीं, आपने इसके लिए न कभी कुछ किया न कभी कुछ सोचा। और आपकी नीयत पे तब सवाल उठता है जब ऊना में आप दलितों को नहीं छोड़ते हैं, जब आप अखिलेश के घर में उसकी फिर में घोर ढूंढने का काम करते हैं, लेकिन जेएनयू से हमारे एक गायक साथी नजीब को आप नहीं ढूंढ पाते हैं। आपकी नीयत पर सवाल है। और प्रधानमंत्री जी एक बात और कहना चाहते हैं, बहुत बातें करते थे, आम जनता की सरकार है, हम इनका मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कैसे बनाएंगे आप इनका मुक्त भारत? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तड़ीपार के केस में मुकदमा दर्ज है, और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी खुली चुनौती देती हूं मैं आपको यहां से कि आप तो वही है जो गाय माता की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़े गाय के तस्कर केशव प्रसाद मौर्य हैं, पूरे इलाहाबाद से ये बात कहीं छिपी हुई नहीं है। कब तक करेंगे आप गाय पर राजनीति? कब तक करेंगे आप हिंदुस्तान को बांटने का काम? कब तक आप इस बात पर सवाल उठाएंगे कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं कि नहीं, और आप राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं? हम आपको बताते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, क्योंकि हम हाथों में तिरंगा लहराना जानते हैं। आप राष्ट्रद्रोही हैं क्योंकि आप भगवा झंडा लेकर देश को बांटने का काम करना जानते हैं। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बहुत कठिन दौर में जी रहे हैं हम, और अगर हम बचने का काम किए, हम लोग ने एकता नहीं दिखाई, हम एकजुट नहीं हुए, तो वो तैयार बैठे हैं आपकी आने वाली नस्लों को खत्म करने के लिए, और अगर इस बार हम बच गए तो हमारी वाली आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी, आप कहेंगे कि हम लोग केवल आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये देखिए कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके शासनकाल में पेट्रोल सबसे महंगा है, गैस सबसे महंगी है, और तो और आपने काले धन के नाम पर पूरे देश की जनता, चाहे उसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, औरतें हो, आपने सबको देश की सड़कों में लाकर लाइन में लगाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी। और आने वाली 17 के चुनाव और 2019 के चुनाव में आपको देश की जनता माफ नहीं करने जा रही है। और हम एक और चुनौती देते हैं आपको, हम युवा हैं, हमको सवाल करना आता है, हमको चुनौती देना आता है, और एक और खुली चुनौती हम आपको देते हैं कि है अगर आपकी नोटबंदी में इतना दम, तो आइए 17 के चुनाव में नोटबंदी के नाम पर वोट मांगकर दिखाइए, फिर आपको देश की जनता दिखाएगी कि वो आपका हश्र क्या करती है। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी का कोई भी नेता अपने किसी भी माइक मीटिंग में, अपने किसी भी प्रचार में कभी वो नोटबंदी की बात नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि देश की जनता उसके ऊपर सवाल उठा रही है और वो जवाब मांगेगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, ये वही जुमले वाले प्रधानमंत्री हैं जो अपने मन की बात कहते हैं, जो दूसरे के मन की बात नहीं सुनते, और तो और
ये देखिए कि पिछले मेरी उम्र जितनी है, मैंने 28 सालों में कभी ऐसी राजनीति नहीं देखी देश में कि जब देश के सीमा पर मरने वाले शहीदों के नाम पर राजनीति देश में हुई हो, लेकिन पिछले 28 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों के नाम पर राजनीति करना शुरू की है। और हम आपसे एक और सवाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, कि अगर वो शहीद थे तो जो लाइन में लगकर 130 लोगों की मौत हो गई, आपने उन्हें शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया? हमें भी तो देश के लिए जान गवाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास केवल जुमले हैं, केवल बातें हैं, वो गोल गोल बात करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से धरती गोल है वो जनता को भी गोल गोल घुमा लें। आप ये देखिए कि वही जुमले वाली सरकार है, ये वही प्रधानमंत्री जी हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही आरएसएस के लोग हैं जो देश को बांटो और राजकरों की राजनीति पर चलते हैं। और अभी अभी 17 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भी इन्होंने एक जुमला बांटने का काम किया और घरों को तोड़ने के लिए इन्होंने 3 तलाक की बात की। हम आपसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि 3 तलाक होगा कि नहीं होगा, ये हमारी शरीयत तय करेगी, हमारे देश का कानून तय करेगा, ये जुमले फेंकने वाला प्रधानमंत्री नहीं तय करेगा। और एक बात और कहते हैं कि अगर इतनी ही चिंता है हमारी माओ की, इतनी ही चिंता है आपको हमारी बहनों की, तो दे दीजिए सबको नौकरियों में आरक्षण, दे दीजिए सबके हाथों में सरकारी नौकरियां, ताकि हमारी माए और बहने आज देश में काम करने लगे। और एक और सवाल है, महिला आरक्षण बिल को, ताकि महिलाएं राजनीति करने लगे और आपके नामो निशान को मिटाने के लिए वो आपकी बराबरी में आकर बैठने लगे। की भाषण शैली हर बार इनकी नियत साफ नहीं है, छात्र संघ ये हमको और आपको बांटना चाहते हैं, ताकि हम इनके काले धन पर सवाल न करें, हम इनकी नियत पर सवाल न करें। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि फिर से तैयारी है हमको और आपको बांटने की। बहुजन समाज पार्टी तैयार बैठी है बीजेपी की एजेंट बनकर, और आप इस बात को समझ लीजिए, इसको लिखकर अपने पन्नों में रख लीजिए कि अगर आपने बहुजन को वोट देने का काम किया तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरेगा, क्योंकि दोनों गठबंधन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमको और आपको समझना होगा, आप ये देखिए कि ऋचा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से चुनाव लड़ाने के लिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 17 में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनको एक नेता नहीं मिला और पश्चिम बंगाल से इनको नेता किराए पर लाना पड़ता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के आगे। यहाँ पर ऋचा सिद्धार्थनाथ सिंह की बात कर रही है जो यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रभारी रहे हैं। सुना है कि आप वोट मांग रहे हैं और वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री का पोता हूँ। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर है आप लाल बहादुर शास्त्री के खानदान के, तो वो एक सेकुलर सोच रखते थे, आपने तो धर्म और सांप्रदायिक ताकतों को साथ देने वालों के साथ आप खड़े हो गए हैं। तो अगर आप खेद लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के, तो सबसे पहले इस फिरका पर ताकतों से अलग होने का काम करिए, क्योंकि जनता सवाल करेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बटिएगा मत, आपके पास एक और प्रतिनिधि है जो आपके सामने आती है, आपके सामने अपने आंसुओं का हवाला देती है, पूजा पाठ की बात बहन जी के पत्थरों का हवाला देती है, लेकिन उनके हाथी और पत्थर कभी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। हम भी आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि मैं भी लड़की हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन मैं ना लड़की होने के आधार पर वोट मांगने आई हूँ, ना अपनी आंखों के आंसुओं को गिरा के वोट मांगूंगी। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ना आता है, मैं पलवी की प्रत्याशी हूँ और आपके लिए लड़ने की हिम्मत रखती हूँ, इसलिए आपको अपनी बहन को वोट करना होगा। और ये वोट की चोट किसी और पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगी। हम आपको कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि वो पूछते हैं कि ऋचा कहां से आ गई। हम आपको बताते हैं कि ऋचा कहां से आ गई। मेरी जन्मभूमि इलाहाबाद है, मेरी कर्मभूमि इलाहाबाद है, और ये वही इलाहाबाद की सरजमी है जहां पे इन फिरका परस्त ताकतों को, इन सांप्रदायिक ताकतों को
इलाहाबाद जिनकी अपना संसदीय क्षेत्र है इलाहाबाद, लेकिन अगर इलाहाबाद की एक युवा नेता ने चाह लिया तो उनको अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर अपना पैर नहीं रखने दिया। तो हम आपसे ये वादा करते हैं और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि साथियों जाग जाइए, सवाल करिए और सवाल करके इन त्रिकोण ताकतों से जवाब मांगिए, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि ये खामोश मेजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मेजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और ये वो चांसेस एक ताकतों का दौर है कि अगर हमने कोहराम नहीं मचाया तो ये हमें और आपको नर्क में ढकेलने का काम करेंगी और हमारे और आपके वजूद को खत्म करने का काम करेंगी। जीना है तो मरना सीखो। लोग कहते हैं कि ऋचा पश्चिमी में लड़ने गई हो, डर नहीं लगता। मैं उनसे कहती हूँ कि जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे औरों के लिए लड़ना सीखो, और हम लोगों को औरों के लिए लड़ना आता है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि कलम के सिपाही हैं, और कलम के सिपाही किसी तलवार और बंदूक की धार से नहीं डरते। हम वो कलम के सिपाही हैं जब आवाज उठाते हैं तो दिल्ली के तख्तों पर झेला करते हैं और वहां से जवाब देना पड़ता है। हमारे मंच संचालक बार बार मुझे एक कागज दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया है, तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ, लेकिन बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, और अगर हमने और आपने बैठ के इन सवालों को सुलझाया नहीं तो याद रखिएगा कि ये फिरका परस्ता कटे फिर से कामयाब हो जाएंगी हमें और आपको नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बांटने में। तो आइए 23 फरवरी को अपने घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, क्योंकि जब आप वोट डालेंगे तो वोट की चोट होगी और ये चोट भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर पड़ेगी। तो निकलिए 23 फरवरी को और वोट डालिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जय समाजवाद। ऋचा सिंह पढ़ी लिखी है, इसलिए उनके भाषण में अश्लील शब्दों का खूब जिक्र हुआ। इससे पहले जो नेता यहाँ भाषण दे रहे थे वो क्षेत्रीय मुद्दों पर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय बसपा कैंडिडेट भाजपा प्रवृत्ति के पुरजोर कोशिश की, पुरजोर इस बात बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मोहम्मले के तमाम लोगों का, नदी का दिलाने के लिए बसपा को किसी सलामत इल्ला खान साहब का चांद भाई किसी निर्णय पर डाल दें। लगा सोने से चलकर आई करेली जगह है पश्चिम इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा में लगता है। फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, मैं कुलदीप सरदार कैमरे पर, अमितेश कुमार, dll.com के लिए।